नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी विचित्र साधना के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कम समय में एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम ले सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों। और यह साधना आपके दुश्मनों के लिए तो महाकाल के समान होगी। अगर आपका कोई भी दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बिना वजह परेशान कर रहा है, बदले की भावना लेकर के आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सिर्फ अपने दुश्मन का नाम बोलकर इस शक्ति को भोग दे देना और फिर अपने दुश्मन के घर की तबाही को देखना कि उसके घर में क्या होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यह इतनी प्रचंड शक्ति है। इस साधना को हमारे सिर्फ तामसिक साधक ही कर सकते हैं। जो सात्विक शक्तियों की साधना करते हैं, वो साधक इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। और तामसिक साधक जो शमशान में जाने से नहीं डरते हैं, शमशान में बैठकर के क्रियाएं करते हैं, शमशान में साधनाएं करते हैं, वो इस साधना को बेधड़क कर लेंगे और बहुत ही कम समय में एक प्रचंड शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको इस शक्ति के बारे में बता दूं। आज जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं, यह साधना है ज्वाला मशानी की साधना। यह मरघट की ज्वाला मशानी की साधना है जो कि मरघट के अंदर ही की जाती है। हमारे तामसिक साधक इसे भली भांत कर सकते हैं क्योंकि उनको शमशान में जाने से डर नहीं रहता है, जंगल में जाने से डर नहीं रहता है। और हमारे सात्विक साधक जंगल में शमशान जाने से डरते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपका कोई परफेक्ट गुरु हो तभी आप इस साधना को करें, अन्यथा आप इस वीडियो को भी छोड़ दें, इसे मत देखें। क्योंकि मित्रों, जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है उसे आप मत देखिए, और जिन लोगों के मतलब की ये साधना है वो इसे पूरा जरूर देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में कुछ नहीं आएगा और ना ही आपकी कोई साधना सफल होगी। आज मैं ज्वाला मशानी की साधना को विस्तार से बताऊंगा। यह साधना कैसे सफल होती है, इसका भोग क्या है और इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो आप ज्वाला मशानी के बारे में जान लो। यह एक मरघट की जो मशानी माता होती है उसकी छोटी बहन है, जिसका नाम है ज्वाला मशानी। आप उस ज्वाला देवी को मत समझ लेना जो कि दुर्गा का रूप है। वो ज्वाला देवी अलग है और यह मरघट की ज्वाला मशानी अलग है। यह इतनी खतरनाक ज्वाला मशानी है कि आपके दुश्मन के घर में आग लगा दे, उसके शरीर में आग लगा दे। और इसको शत्रु नाशनी ज्वाला मशानी बोला जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसकी साधना करना तो बहुत आसान है लेकिन इसको संभालना बहुत टेढ़ा है। साधना करने के लिए आपको किसी भी शनिवार से इसकी साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना में आपको नहा धोकर के अपने शरीर पर काले वस्त्र धारण करने हैं और आपको लौंग, कपूर, बतासे के साथ बकरे का मांस और शराब, यह इस ज्वाला मशानी का भोग है। यह सभी एकत्रित कर लें और काला हकीकी एक माला ले लें, काला आसन ले लें। यह सभी सामग्री लेकर के आप शमशान में पहुंच जाएं। इस साधना को शुरू करने से एक दिन पहले आप शमशान में जाएं और शमशान की थोड़ी सी मिट्टी को गीला करके और एक दीपक उसी मिट्टी का बना करके वहीं पर छोड़ के चले आएं और वो 24 घंटे के अंदर सूख जाएगा। आपको इस ज्वाला मशानी की साधना में उस शमशान की मिट्टी का ही दीपक काम करेगा। बाकी का ये सभी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, यह शनिवार के दिन लेकर के शमशान पहुंच जाइए। शमशान में पहले जाकर के शराब को खोल करके और उसका आसपास चारों तरफ छिड़काव करिए। छिड़काव करने के बाद आपके पास में गुरु के द्वारा दिया गया घेरा मंत्र हो, उसका पहले अपने आसपास घेरा लगा लें,
कम से कम 5-5 फुट की दूरी पे इतना बड़ा घेरा लगा करके चलें। अब अपने शरीर पर देह रक्षा मंत्र की फूंक मार के सुरक्षा कर लें। और शमशान के साधकों के लिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था जिसमें मैंने देह रक्षा मंत्र बताया था। उस मंत्र को आप अपने शरीर पर फूंक करके अपने शरीर की सुरक्षा कर सकती है। आप मित्रों उस घेरे के अंदर बैठ करके आपको जंगल में जो उपला, जो गाय के गोबर का उपला होता है, वो आप तलाश करके और साथ लेके रखें, तो घेरा के अंदर वो उपला जला दें। उपला जलाने पर आपको लौंग, कपूर, बताशा, ये सब उसको नाम से भोग दें कि हे ज्वाला मशानी, मैं आपकी आज से साधना शुरू कर रहा हूँ और ये अपना भोग स्वीकार करिए और आप मेरा कार्य सिद्ध करिए। ये सब जलाने के बाद उसी अग्नि पर बकरे का मांस और शराब का भोग दें। भोग देने के बाद अब आप काले हकीकी माला से एक मंत्र का 11 माला जाप करें और यह किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके आप लगातार 21 दिन इस साधना को करें। बहुत ही कम समय है, वैसे ये साधना 41 दिन में सफल होती है अगर आप पूरी लगन के साथ तन मन धन से ये साधना करेंगे, तो यह साधना 21 दिन के अंदर सफल हो जाएगी। मंत्र आप नोट कर लें, मंत्र है ओम ह्रीं ज्वाला मशानी मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु फट। इसमें स्वाहा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ बाद में फट लगाना है। और यह मंत्र आपको काले हकीकी माला से 11 माला जाप करना है और आपको ये ज्वाला मशानी सिर्फ अपने कार्य सिद्ध करने के लिए प्राप्त करनी है, बाकी का आपको और कुछ नहीं करना है। अब आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आपका कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे दुश्मनों का मामला हो, या आपकी गरीबी से संबंधित कोई मामला हो, यानी आपका किसी भी प्रकार का कार्य हो, 21 दिन के अंदर जब यह ज्वाला मशानी सिद्ध हो जाए तो आप इसको भोग दे करके अपने कार्य के बारे में बोल देना, तो यह ज्वाला मशानी आपके कार्य को चुटकियों में करके आएगी। अगर आपका कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो दुश्मन के नाम से इसको भोग दे देना और फिर आप अपने दुश्मन के घर में देख लेना, उसके घर में ऐसी तबाही आएगी कि वो जिंदगी में याद रखेगा। और कोर्ट कचहरी के मामले में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 तारीख पड़ेगी, 3-4 तारीख में आपका सब फाइनल हो जाएगा। यह ज्वाला मशानी इतनी खतरनाक है कि अपना भोग लेते ही आपका कार्य सिद्ध कर देती है, मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि लौंग, कपूर, बताशे का तो डेली भोग दें, मंत्र का डेली जाप करें, और ये बकरे का मांस और शराब इस ज्वाला मशानी को हर शनिवार ही दें, क्योंकि रोजाना आप कहां से लाएंगे जो कि रोजाना उसको भोग दे सकें। आप हर शनिवार को उसको भोग देते रहें, मेरे प्यारे मित्रों। 21 दिन के अंदर यह ज्वाला मशानी की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और यह आपका हर काम करके देगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस साधना को बिना गुरु के कभी भी शुरू न करें, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि शमशान की साधना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।